2024 के चुनावी दंगल का तीसरा चरण आज पूरा हो गया और इसी के साथ आधी से ज्यादा लोकसभा सीटों पर मतदान भी पूरा हो चुका है। तीसरे चरण के मतदान की शुरुआत के साथ ही मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी गरमाया। आज मुस्लिम आरक्षण की आपको हवा दी आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने, जिन्होंने सुबह ये कहकर सियासी हंगामा खड़ा कर दिया कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि जब बयान पर विवाद बढ़ा और बीजेपी ने लालू यादव को मंडल कमीशन की याद दिलाई तो उन्होंने 4 घंटे के भीतर यू टर्न लिया और धर्म के आधार पर आरक्षण को गलत ठहराने लगे। कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं, रिजर्वेशन का मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था, हम आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। मुस्लिम आरक्षण पर लालू यादव के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कड़ा प्रहार बोला और चारा घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष पिछड़ों और गरीबों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहता है। हालांकि लालू यादव ने अपने बयान पर सफाई दे दी और कहा कि आरक्षण सामाजिक आधार पर होना चाहिए। तब तक बीजेपी उन पर कई तीर चला चुकी थी। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी ने न सिर्फ लालू यादव बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन को लपेटे में लिया और आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन SC ST और OBC का हक मारकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहता है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कर्नाटक मॉडल का हवाला देते हुए इंडिया गठबंधन को घेरा तो योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि विपक्ष OBC के आरक्षण में सेंध लगाना चाहता है। इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, कांग्रेस हो, RJD हो, समाजवादी पार्टी हो, ये OBC के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। मुस्लिम आरक्षण का जिन इंडी गठबंधन के चिराग से बाहर निकलकर दक्षिण से लेकर अब गंगा के मैदान तक पहुंचकर पूरे विकराल रूप में भारत के आकाश पर दिख रहा है। मुस्लिम आरक्षण पर लालू यादव के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कड़ा प्रहार किया और चारा घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष पिछड़ों और गरीबों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहता है। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए, उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी SC ST OBC समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीन कर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल सहयोगियों ने लालू यादव का बचाव करते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। आरक्षण के सवाल पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उल्टा बीजेपी पर ही हमला बोल दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आई तो आरक्षण और संविधान खत्म कर देगी। एक जमाने में मंडल कमीशन की लड़ाई में लालू यादव के साथ रहे JDU के KC त्यागी ने तो यहां तक कह दिया कि तुष्टीकरण के चक्कर में लालू यादव सामाजिक न्याय का पाठ तक भूल बैठे हैं। यही पिछड़े और दलित तो आदिवासी यही देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार 10 साल में ये फैसले ले रही है जो धीरे धीरे उनको आरक्षण और अधिकारों को खत्म कर देगी। हिंदुओं की जो ऊंची जातियां हैं वो मंडल कमीशन की अनुशंसाएं भंग करो और हमको भी उसी तर्ज पर आरक्षण दो जिसकी मांग मुसलमानों के लिए श्री लालू प्रसाद यादव जी कर रहे हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच फैसला सुनाए बिना ही उठ गई। सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद लंच से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थी और अदालत के रुख से ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत दे ही देगी। सुप्रीम कोर्ट और ED के बीच लंबी बहस भी चली जिसमें अदालत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर ED से सवाल जवाब किए। सबसे पहले जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, ये अपने आप में असाधारण केस है, वो दिल्ली के CM है, हम इस पर विचार करेंगे कि क्या अंतरिम जमानत दी जा सकती है।
जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि अगर ऐसा होता है तो इसका लोगों पर गलत असर पड़ेगा, इस बात का गलत संदेश जाएगा कि किसी आरोपी को प्रचार के लिए जमानत मिल रही है। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि सरकार के मुखिया होने के नाते केजरीवाल आरोपी हैं और इस घोटाले में शामिल हैं, तो इस नतीजे पर पहुंचने में आपको 2 साल क्यों लग गए। जिस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि गोवा में चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल 7-स्टार होटल में ठहरे थे, इसका खर्च उस शख्स ने उठाया जिसने कैश लिया था। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक वजहों से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बहस तब और गर्म हो गई जब इसमें लोकसभा चुनाव का जिक्र आया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव की बात करते हुए कहा कि ये कोई आम चुनाव नहीं है और इस चुनाव में दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री जेल में है, लिहाजा उनकी जमानत पर विचार करना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने पर भी आपत्ति जताई, जिसका ईडी ने दलील के साथ विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखते हैं तो हो सकता है कि तब तक चुनाव निकल जाए। जिस तरह की असाधारण परिस्थितियों में हम अंतरिम जमानत भी देते हैं, जिसका सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहते हुए विरोध किया कि कोर्ट इस केस में केजरीवाल के रोल को भी देखे। चुनाव प्रचार के लिए वो अकेले नहीं है, आसमान नहीं गिर जाएगा अगर वो प्रचार नहीं करेंगे। जो राहत आम आदमी पार्टी को हासिल नहीं है वो राजनेता को कैसे दी जा सकती है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि चुनाव में सभी पार्टियों की बराबर भागीदारी होनी चाहिए। केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, ऐसा नहीं है कि जमानत और बाहर आने से समाज को उनसे खतरा है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अंतरिम जमानत पर विचार भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव का वक्त है, लेकिन सवाल जनता के हित का है, हम नहीं चाहते कि इस दौरान आप सरकार के कामकाज में दखल दें। जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत मिलती है तो वो किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। शर्त है कि एलजी किसी भी काम को इस आधार पर ना रोके कि फाइल पर साइन नहीं है। केजरीवाल की जमानत और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर कथित घोटाले की रकम को लेकर भी सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने अपराध से अर्जित आय के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए ईडी से पूछा कि आपके हिसाब से इस मामले में अपराध से अर्जित आय 100 करोड़ थी। जिस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जवाब दिया कि इसमें शराब कंपनियों को हुआ मुनाफा भी शामिल है। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि मुनाफे की सारी रकम को अपराध से अर्जित नहीं माना जा सकता। इस पर एसवी राजू ने कहा कि शुरुआत में हमारी जांच केजरीवाल को लेकर ही केंद्रित नहीं थी, इसीलिए गवाहों से भी सीधे उनकी भूमिका को लेकर सवाल नहीं पूछे गए, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी केजरीवाल की भूमिका भी इसमें सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने से पहले और बाद की फाइलें देखने की मांग भी की, जिस पर ईडी के वकील एसबी राजू ने कहा कि 11 नवंबर 2022 के अगले बयान को अदालत देख सकती है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया, तो उधर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया। बीजेपी ने एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री पर कई घोटालों में शामिल रहने का आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी को चोर बना दें हम अरविंद केजरीवाल की तरह। 22 साल हो गए नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक जीवन में, आज तक एक आरोप तक नहीं लगा। इनके तो 10 साल में एशियन पेंट्स की तरह इतने कलर लोगों ने देख लिए हैं। शराब घोटाला, कुर्सी घोटाला, बिजली घोटाला, पानी घोटाला, कौन सा घोटाला नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने? ये तो कोई इनोवा ऑफ करप्शन है, तो कहां से लेवल प्लेइंग फील्ड होगा? राहुल गांधी बोलते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, नरेंद्र मोदी की बुद्धि घटा दें क्या करें? लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज वोट डाले गए और इस चरण में 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, जहां सुबह से ही वोट डालने वालों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई। मतदान केंद्रों के बाहर लोग लाइन में खड़े होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। आम लोगों के बीच कई दिग्गज नेता भी वोट देने पहुंचे, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने परिवार के साथ कर्नाटक के कलबुर्गी में मतदान केंद्र पर पहुंचे और वोट डाला। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि इस देश की जनता पिछली बार बीजेपी को वोट देकर पछता रही है। सभी मिलके इस बार हम कांग्रेस को जिताएंगे, लास्ट टाइम हमारे से गलती हो गई, ये पछताप भी वो कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और धारवाड़ से बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद जोशी ने अपने परिवार के साथ मतदान किया और जीत का दावा किया। 14 out of 14 we will win। वहीं यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और गुजरात सरकार में मंत्री हर्ष सांघवी ने वोट डाला और लोगों से बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने की अपील की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल यादव ने सैफई में आज मतदान किया।
तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें मुलायम परिवार के 3 सदस्यों की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो गई। वोट डालने के बाद अखिलेश यादव ने पार्टी की जीत का भरोसा जताया, साथ ही चिलचिलाती गर्मी में मतदान कराने पर बीजेपी को घेरा। बीजेपी वालों को इस बात की भी सजा मिलनी चाहिए, हालांकि वो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, लेकिन बीजेपी वाले जानबूझ करके गर्मी में वोट डलवाते हैं आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। तीसरा चरण प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के सियासी भविष्य का फैसला करेगा, क्योंकि इस चरण में मुलायम परिवार के 3 लोगों की किस्मत दांव पर है। मैनपुरी लोकसभा सीट से खुद डिंपल यादव चुनावी मैदान में हैं, जबकि उनके सामने बीजेपी के जयवीर सिंह हैं। फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं, वहीं बीजेपी के विश्वदीप सिंह उनके सामने हैं। तो वहीं बदायूं सीट से शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव मैदान में हैं, तो उनके खिलाफ बीजेपी के दुर्विजय शाकिया चुनावी अखाड़े में हैं। समाजवादी पार्टी के सामने एक तरफ मैनपुरी में अपना किला बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ फिरोजाबाद और बदायूं सीट पर परिवार की एकजुटता भी दांव पर लगी हुई है। तीसरे चरण के मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल से छिटपुट हिंसा की घटनाएं भी सामने आई हैं। जंगीपुरा में एक मतदान केंद्र के बाहर तो टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष और बीजेपी उम्मीदवार के बीच जमकर झड़प हुई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में बीजेपी प्रत्याशी धनंजय घोष और टीएमसी ब्लॉक प्रमुख गौतम घोष एक दूसरे को धक्का देते दिखाई दिए। टीएमसी नेता ने आरोप लगाया कि पोलिंग बूथ पर पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और कुछ ही देर में ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों धक्का मुक्की पर उतर आए। और ये सब तब हुआ जब वहां कुछ मीडिया कर्मी और सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे। मामला बिगड़ने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला और दोनों नेताओं को अलग कर दिया। हम पतासी हूं, उसको टीएमसी ब्लॉक सभापति डायरेक्ट हेट कर रहा है, पोलिंग एजेंट का जगह में। बीजेपी ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही। महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ, जिसमें बारामती सीट भी शामिल है और इस सीट पर ननद भाभी के बीच सीधी टक्कर है। एक तरफ जहां शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले हैं, तो वहीं उनके सामने राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार हैं। इस बीच सुप्रिया सुले अपने परिवार के साथ बारामती में मतदान केंद्र पर पहुंची और वोट डाला। मतदान के बाद उन्होंने अजीत पवार गुट पर देर रात कोऑपरेटिव बैंकों के जरिए मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप लगाया। कल रात को वेल्ला में पीडीसीसी बैंक खुली हुई थी, पहला मुद्दा। दूसरा, भोर में बहुत सारी गाड़ियां पकड़ी गई, ऐसा वीडियो घूम रहे। और तीसरा, बारामती में भी कई जगहों में ऐसी खबरें आ रही है। हालांकि अजीत पवार ने शरद पवार गुट के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हर एक बैंक के बाहर सीसीटीवी कैमरे रहते हैं, वो कैमरे चेक करो, सीसीटीवी कैमरे, और उसमें देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस बार बारामती सीट पर पवार बनाम पवार के बीच मुकाबला है। एक तरफ जहां अजीत पवार की साख दांव पर है, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। उधर पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम के एक बयान से हड़कंप मच गया है। बहुत बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं बात पते की। और हम आपको बता दें कि प्रमोद कृष्णम ने खुलासा किया कि कांग्रेस राम मंदिर के पक्ष में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना चाहती है, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। और पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम का ये बयान सामने आते ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े किए, साथ ही कांग्रेस का साथ देने वाले विपक्षी दलों को भी रामद्रोही बताया। हमेशा इनका प्रयास था, इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने लोग हैं, कांग्रेस ने शुरू से प्रयास किया कि अयोध्या में राम मंदिर के मामले में माननीय न्यायालय से फैसला ना आने पाए, करोड़े अटकाते थे, ये स्वयं बैरियर बने हुए थे। चुनावी माहौल में प्रमोद कृष्णम के बयान पर सियासत गरमाई, तो कांग्रेस ने भी तीखा पलटवार किया और प्रमोद कृष्णम के साथ साथ बीजेपी नेताओं को भी झूठा बताया। हमारे जो कुछ दल बदलू जिनको हमने दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया, वो भी झूठ बोलते हैं और जबरदस्त झूठ बोलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मानसिक रोगी होने में और झूठ बोलने में थोड़ा ही अंतर है, डॉक्टर से परामर्श जरूर करना चाहिए। दरअसल सोमवार को पूर्व कांग्रेस नेता रहे प्रमोद कृष्णम ने दावा किया था कि राहुल गांधी ने एक बैठक में कहा था कि जब भी उनकी सरकार बनेगी, वो राम मंदिर पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुपर पावर कमीशन बनाकर शाहबानो केस की तरह पलट देंगे।
अखिलेश यादव ने सोमवार को कन्नौज के गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना की तो हंगामा खड़ा हो गया। अखिलेश यादव के मंदिर से जाते ही बीजेपी के लोग गंगा जल लेकर वहां पर पहुंच गए और पूरे के पूरे मंदिर को धोते हुए नजर आए। दरअसल ये विवाद अखिलेश यादव के गौरी शंकर मंदिर जाने के बाद शुरू हुआ। अखिलेश यादव ने सोमवार को कन्नौज में चुनाव प्रचार की शुरुआत गौरी शंकर मंदिर में पूजा पाठ करके की और भगवान शिव का अभिषेक किया। लेकिन अखिलेश यादव के मंदिर से जाते ही मंदिर में धुलाई का काम शुरू हो गया। तमाम बीजेपी कार्यकर्ता गंगा जल लेकर मंदिर पहुंच गए। हमारे पवित्र मंदिर गौरी शंकर बाबा में कुछ गैर सनातनी जूते चप्पल लेकर घुस गए थे, जिससे हमारा मंदिर बहुत अपवित्र हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के साथ दूसरे धर्म के लोग भी मंदिर आए, जिन्होंने मंदिर अपवित्र कर दिया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहाँ पर दोपहर में आए थे और कुछ मुस्लिम युवकों के साथ में आए, जो कि मुस्लिम युवकों ने यहाँ पर जूते चप्पल पहन कर आए और यहाँ पर उन्होंने थूका थाकी भी की। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने पूरे मंदिर को अच्छे से धोया और अखिलेश यादव के खिलाफ अपनी भड़ास भी निकाली। क्या हमारे मंदिर ही उन्होंने आस्था के हमारे मंदिर उन्हें कभी अपवित्र करने को मिलते हैं? क्या किसी मस्जिद किसी दरगाह में वो जूते चप्पल पहनकर जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। हम लोगों के मंदिर का अपमान जो किया, बाबा गौरी शंकर मंदिर का अपमान किया है हमारी जनता, हम लोगों ने ठाना है कि अखिलेश यादव को इस अपमान का बदला लेंगे। बीजेपी समर्थकों ने मंदिर को गंगा जल से धोया तो इसकी चर्चा तेजी से होने लगी। वीडियो वायरल हुआ तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। क्या कुछ कहा वो सुनिए आप। और अखिलेश यादव ने इसे ओछी मानसिकता बताकर बीजेपी पर निशाना साधा। स्टेट होकर के ये अपने कार्यकर्ता नेताओं से इस तरह का व्यवहार करवा रहे हैं, ये चाहते हैं रिएक्ट करें हम लोग। कुछ दिनों पहले मैनपुरी में भी ऐसी ही घटना देखने को मिली थी। अखिलेश यादव के रोड शो के बाद समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर चढ़ गए थे, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा की धुलाई की थी। हालांकि इस घटना के बाद यूपी पुलिस ने समाजवादी पार्टी के करीब 100 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था। भारत में यूपीआई की मदद से खरीदारी करना बेहद आसान हो गया है। आजकल देश के कोने कोने में आप यूपीआई के जरिए कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन पेमेंट की सहूलियत ने लोगों के खर्च को बढ़ा दिया है। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली के एक सर्वे के मुताबिक यूपीआई का चलन बढ़ने की वजह से भारत में लोग ज्यादा पैसे खर्च करने लगे हैं। सर्वे में शामिल 4 में से 3 भारतीयों का मानना है कि यूपीआई की वजह से उनके खर्च करने के तरीके में बदलाव आया है। सर्वे में शामिल भारत में 75% लोगों ने माना कि यूपीआई की वजह से उनका खर्च बढ़ गया है, क्योंकि QR कोड स्कैन करते और ऑनलाइन पेमेंट करते समय लोगों को यह एहसास ही नहीं होता कि उनके कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। वहीं कैश से खरीदारी करते समय हर नोट के जाने पर लोगों को खर्च का पता चलता है। जैसे UPI के जरिए 2,500 रुपए का पेमेंट करने में लोग उतना नहीं सोचते जितना कि 500 के 5 नोट खर्च करते वक्त सोचते हैं। हालांकि UPI के बढ़ते इस्तेमाल का एक और पहलू भी है, और वो ये कि UPI के इस्तेमाल से छोटे कारोबारियों की बचत बढ़ी है। सर्वे में शामिल 25% छोटे कारोबारियों ने माना कि UPI के इस्तेमाल से उनकी बचत बढ़ी है, क्योंकि UPI पेमेंट का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में जाता है, जिससे उनकी बचत और उस पर मिलने वाला ब्याज दोनों ही बढ़े हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आज बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों को कल देर शाम कुलगाम के रेडवानी पाइन इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने का इनपुट मिला था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और CRPF ने इलाके को घेरकर आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद और सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में TRPF का टॉप कमांडर बासित डार भी शामिल है। बासित मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक था और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आतंकी बासित डार सुरक्षा बलों की ए कैटेगरी लिस्ट में था, जो घाटी में टारगेट किलिंग की कई वारदात में शामिल था। पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद से ही घाटी में आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस, सेना और CRPF के जवान कुलगाम समेत घाटी के कई इलाकों में नाकेबंदी कर आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं। राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में ड्यूटी के समय पर शिक्षकों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर अब रोक लगाई जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दावा किया कि शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ये फैसला लिया गया है, जिससे स्कूलों में पढ़ाई के समय में शिक्षक फोन का इस्तेमाल करने की जगह बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दें। कोई भी अब विद्यालय के अंदर मोबाइल लेकर के नहीं जाएगा,
यदि जाता है गलती से आ भी जाता है उस पर, तो प्रिंसिपल की रेख में रखेगा। केवल प्रिंसिपल का मोबाइल खुला रहेगा, भाई कोई इमरजेंसी हो जाए किसी की तो प्रिंसिपल का फोन आएगा। शिक्षा मंत्री के इस फैसले को जोधपुर में सरकारी स्कूल के बच्चों ने सही बताया। नहीं लाने में फायदा है, टीचर फोन लेके आएंगे तो मैं पढ़ाएंगे कम, उन्हें कॉल आते हैं, वो व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, नहीं लेकर हमारे फायदा में अच्छा तरीके से पढ़ाएंगे, आधे घंटे का पीरियड होता है उसमें वो फोन चलाएंगे तो मैं पढ़ाएंगे कब। प्रिंसिपल भी फैसले से सहमत नजर आए। ये जो कार्य है वास्तव में सराहनीय है, मोबाइल का दुरुपयोग ज्यादा होता है। बताया गया कि नियम न मानने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षकों को पढ़ाने से पहले पढ़कर जाने की सलाह भी दी है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि स्कूल के समय में शिक्षकों के पूजा और नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी रहेगी और अगर कोई जाना चाहे तो वो बकायदा छुट्टी लेकर जाए। जयपुर में शिक्षक संघ भी इस फैसले से सहमत नजर आया। या किसी भी पूजा स्थल पे जाता है तो पहले भी शिक्षक जो है छुट्टी लेके जाया करते थे और छुट्टी लेके वो जाएगा, इसमें विद्यार्थी का भी हित है, शिक्षक का भी हित है। पढ़ाई के समय स्कूलों में पूजा पाठ की इजाजत न देने के फैसले को संतों ने भी सही बताया। ये भी बहुत अच्छी बात है, शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा के मंदिर में धार्मिक आयोजन का कौन सा काम है। हालांकि मुस्लिम पक्ष से जुड़े कुछ लोगों ने इस फैसले को चुनावी बताया। तो अब ये चुनाव का समय है, इस वजह से जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। नमाज न पढ़ने के मुद्दे को सियासी बताते हुए मुस्लिम पक्ष ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग भी की। और इस समय की बड़ी खबर बता दें, लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण का मतदान खत्म हुआ है और तीसरे चरण में 11 राज्यों में मतदान हुआ है। आज शाम 5 बजे तक 60.19% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में 5 बजे तक 55% के करीब वोटिंग हुई है। असम में 75%, बिहार में 56% और छत्तीसगढ़ में 67%। गोवा में ये बहुत अच्छा परसेंटेज है, 72% मतदान हुआ है। गुजरात में कम मतदान हुआ है, 55%। कर्नाटक में 66% वोटिंग हुई है। अगर आप भी देर से रात में सोते हैं तो ये खबर आपके लिए है। क्या आप जानते हैं कि रात को देर से सोने से आपके शरीर में कई बीमारियां घर कर सकती हैं? दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक रात में देर से सोने की वजह से इंसान की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। देर से सोने का सीधा असर इंसान के दिमाग पर पड़ता है, जिसकी वजह से नई चीजों को सीखने की क्षमता भी धीमी पड़ जाती है। रिसर्चर्स का दावा है कि रात में देर से सोने के कारण लोगों की उम्र भी घट सकती है। साथ ही देर से सोने वाले लोग मोटापा, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं का शिकार भी हो सकते हैं। एक सर्वे में पाया गया कि भारत में 58% लोग रात को 11 बजे के बाद सोते हैं। देर से सोने की एक वजह बिस्तर पर मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल को भी बताया जा रहा है। सर्वे में पता चला कि भारत में 88% लोग सोने से पहले फोन का इस्तेमाल करते हैं। कई मेट्रो शहर में देर रात तक काम करने की वजह से भी लोग देर से सोते हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत की लगभग 30% आबादी नींद की समस्या से जूझ रही है और ये संख्या आने वाले समय में और भी बढ़ सकती है। इसराइल ने जैसे ही दक्षिणी गाजा के शहर राफा में हमलों के पर्चे डालकर एयर स्ट्राइक की, आतंकी संगठन हमास के पसीने छूट गए। आनन फानन में हमास ने ऐलान कर दिया कि वो इसराइल के साथ सीज फायर यानी युद्ध विराम के लिए तैयार है। वहीं हमास के ऐलान के बाद इजरायली हमलों से त्राही त्राही कर रही राफा की जनता ने भी राहत की सांस ली। राफा के लोग सड़कों पर उतर गए और सीज फायर के ऐलान का जश्न मनाने लगे, लेकिन राफा के लोगों की ये खुशी चंद घंटे बाद ही काफूर हो गई। इजरायल ने हमास के सीज फायर वाले ऐलान को ठेंगा दिखाते हुए राफा पर धावा बोल दिया। इजरायली सेना के टैंक हमास के आखिरी गढ़ राफा में प्रवेश कर गए। यही नहीं, इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने राफा स्थित आतंकी संगठनों पर टारगेट अटैक भी किए। इसके अलावा इजरायली सेना ने राफा में रहे फिलिस्तीनियों को वहां से सुरक्षित जगहों पर जाने का निर्देश भी दिया, जिसके बाद लोग अपना सामान लेकर राफा से पलायन करते नजर आए। जबकि इजरायल ने राफा पर किए गए हमलों को लेकर ये दलील दी कि हमास उन शर्तों और मांगों को पूरा नहीं कर रहा जिन पर उसने हामी भरी थी। इजरायल की माने तो आतंकी संगठन हमास बातचीत के बहाने दोबारा से ताकत जुटाने की कोशिश में है। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने क्रेमलिन समारोह में 6 साल के नए कार्यकाल के लिए शपथ ली और इस शपथ समारोह का यूक्रेन में रूस के युद्ध के कारण अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने बहिष्कार किया। लेकिन मॉस्को के ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में पुतिन ने 33 शब्दों में शपथ ली।
ये वही जगह है जहां रूस के जार परिवार के तीन राजाओं की ताजपोशी हुई थी। वहीं 21 तोपों की सलामी के साथ पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति बनने वाले व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो दुश्मनों से भी रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो वाकई ऐसा करेंगे, क्योंकि पुतिन ने अपनी सेना को परमाणु हथियारों की ड्रिल करने का आदेश दिया। इस युद्ध अभ्यास में नेवी और यूक्रेन सीमा के पास तैनात सैनिक भी शामिल होंगे। युद्ध अभ्यास के दौरान टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती पर फोकस किया जाएगा। हालांकि ये ड्रिल कब होगी इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पुतिन ने यह फैसला तब लिया जब नाटो और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए सेना भेजने की बात कही।